क्या चीज़ है ये यहाँ जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं खुद से वो रहते हैं सारे खुद के अपने जो प्रोडक्ट हाँ। भी है कुछ कनेक्ट भी कर रहे थे होंगे ना कुछ कनेक्ट भी कर रहे थे गोमूत्र अर्क है जैविक हल्दी है ऑर्गेनिक हल्दी है अपने यहाँ गौशाला की टोटल गायें कितनी हैं 200 के लगभग 200 के लगभग हम कुछ 3-4 गौशालाओं से कनेक्टेड हैं जहाँ पर हम अभी सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए बढ़ रहे हैं और डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बुलाया ये अच्छा किया है अहमदाबाद में गांधीनगर के पास है पांजरापुर गौशाला 1000 से ज़्यादा गाय है वो सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी में टच हो रहे हैं अभी वहाँ पर सर्वे वगैरह सारा हो गया है एक पथमेड़ा है जो लगभग इंडिया की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा तो गौशाला का एक ही मैंने समझा है द्वंद्वता भी है बातें हम सब करते हैं लेकिन उसकी इकोनॉमी की चर्या पर कोई आया नहीं कोई पहुंचा नहीं कि सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए जैसे हम यहाँ बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर एज ए रिच सिटी में आता है कमज़ोर नहीं है बहुत अमीर भी नहीं है लेकिन यहाँ का लाइफ स्टाइल जो किसानों का है केला लगता है समृद्ध है तो एकदम डाउन किसान भी नहीं है उसके बावजूद हमें सोचना पड़ रहा है कि ऐसे शहर के पास की गौशाला भी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है और आप इतना जो अच्छा कुछ कर रहे हो तो इसी के लिए हमने इंडिया भर में ऑक्सीजन पार्क की इजाद की है ऑक्सीजन पार्क इन द सेंस एक ऐसी जगह जहाँ पर ह्यूमन बॉडी रिपेयर हो स्वस्थ हो समृद्ध हो तीनों चीज़ें स्वस्थ और समृद्ध हो ये मैंने दोनों शब्द भी लिए हैं मतलब उसकी इकोनॉमी भी बिल्ड हो ये काम चलते चलते और इन सब से जो कनेक्टेड हैं उन सब की भी इकोनॉमी बिल्ड हो मैंने काफ़ी भारत में गौशालाएं विजिट करी है कई सारी तो लगभग लगभग बंद हो गई मजबूरी में वो गायें इधर उधर जा रही है क्योंकि वहाँ पर कोई संरक्षण करने के लिए है नहीं तो वो खुले हैं अब वो वहाँ पर रहेगी क्या ना करेगी क्या कोशिश करेंगे अपन समझकर इसमें क्या हमारी मदद हो सकती है हम साथ में क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं करेंगे कोशिश आइए देखते हैं आपने तो सारा कुछ कर रखा है यार आप एक्टिव लोग हैं मतलब मुझे ये जो आपने दिखाया ना मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि आप एक्टिव व्यक्ति हैं और यहाँ पर जो स्वास्थ्य वाली जो बात है प्राकृतिक चिकित्सा के शिविर भी लगाते हैं नहीं वो तो एकदम सबसे सुंदर बात है मैंने देखा ना वो शिविर वाला तो सबसे सुंदर बात हर महीने पूरे लगभग लगभग कम संख्या आती पर पूरे देश में से लोग पूरे देश से ये भोजनशाला है क्या हाँ ये भोजनशाला भी बना रखी माध्यम से कुछ जो अभियान चलाते हैं जिसमें 300 वनवासी क्षेत्र के गरीब बच्चे जो हैं जो शिक्षा से दूर थे उनको शिक्षा के साथ विद्याओं को जोड़ के उनको यहाँ पे हम स्वावलंबी शिक्षा यहाँ पे देते हैं तो आपकी वाटिका को देखकर मुझे याद आया एक्चुअली अभी 5 जून को ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और इस साल का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसकी थीम है ओनली ऑन अर्थ मदर अर्थ और आप ऑलरेडी ये काम कर ही रहे हो तो आपके माध्यम से भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि पृथ्वी माँ को हम ही कहीं ना कहीं कुरेद कर गड़बड़ कर किए हैं तो अगुवाई तो हमें ही करना पड़ेगी कि हम कैसे हमसे रिपेयर कर सकें प्लास्टिक को कम करके और पेड़ पौधों को बड़ा करके तो काफ़ी सुंदर काम कर रहे हो इस विषय में मेरा कुछ योगदान चाहिए तो मुझे बताइएगा जो पौधे हैं ये खुद तैयार किए हम लोग ने अच्छा यहीं पर भी बहुत और इसमें जो है दो चीज़ें हैं एक तो पर्यावरण जुड़ा है और दूसरा एक स्वावलंबन के क्षेत्र में यहाँ के जो बच्चे हैं वो इसको डेवलप करते हैं यहाँ के बच्चे डेवलप कर रहे हैं जो गुरुकुल के बच्चे हैं उनमें उनका 50% उनका योगदान होता है तो वो जब इस काम को करते हैं तो पर्यावरण से जुड़ते हैं आने वाले समय में हो सकता है कुछ बच्चे स्वावलंबन के क्षेत्र में इसको अपना लें दूसरा ये जो पौधे तैयार हुए हैं इनको हम 2 से 3 साल तक यहीं पर बड़ा करते हैं ये 8 से 10 फीट का जब हो जाता है तो इसको हम फिर इसको उपयुक्त स्थान पर रोपित कर देते हैं बहुत तो इस माध्यम से पूरा समाज को जोड़ के हम लोग काम करते हैं और अभी तक सेल भी कर रहे हैं या केवल हम लगाते दोनों हैं? दोनों चीज़ दोनों जीवन से लगाते हैं सेल भी करते हैं दोनों करते हैं
और इस माध्यम से अभी तक आपको जानकर खुशी होगी कि बुरहानपुर जिले में 8 से 10 पहाड़ियों को, वीरान पहाड़ियों को हमने हरा भरा किया है। तो मुझे जानकारी है, लेकिन मेरा योग नहीं आया आने का। जब वो गुरुजी भी आए थे काफ़ी वो चर्चा में थे कि मैं आ जाऊँ, मतलब मैंने गलती करी, मैंने ड्राइवर को भेजा लेने के लिए। एक दिन पहले मुझे आना था यहाँ पर ताराचंद जी को लेने के लिए, लेकिन मेरे कहीं काम के शेड्यूल्स थे। काफ़ी सुन रखा है मैंने यहाँ का, बाहर ऑलरेडी नाम है आपका। इसका कोई चिकित्सा है या ये यहाँ का मेंटेनेंस है, ये कैसे फुलफिल हो रहा है? कुछ शिविर भी जो आते हैं उनसे फी रहती है या और भी कुछ है चीज़ें? एक ट्रस्ट मंडल बना हुआ है, इसका ट्रस्ट मंडल है और उसके एटीजी में छूट भी है इसमें डोनेशन में। ओके। और शिविर में जो लोग आते हैं उनसे जो जो शिविर में जो शुल्क जितना मतलब खर्च लगता है लगभग उतना हम उससे लेते हैं। तो अगर मुझे हमारा सवाल है 5 दिन के लिए तो मुझे कितना पेड करना पड़ेगा? आपको यदि शिविर में आना है तो 5 दिवसीय यहाँ आवास की व्यवस्था है। 5 दिवसीय में भोजन के अलावा जो 22 तरीके के ट्रीटमेंट है। ओके। और जितना भी मतलब शिविर में जो भी पूरा आहार से लगा सब है वो सब मिला के 5,000 रुपये। 5,000 रुपये 1,000 रुपये एक दिन का एक व्यक्ति का इस हिसाब से रेंडमली बनता है। बहुत कम है आप रुकना खाना ये सब चीज़ें आ गई। हाँ रुकना थोड़ा बहुत बढ़ाने का सोच रहे अभी तो नहीं है, आज की तारीख में तो इतना ही है, कलयुग के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, आपकी टीम सही है, जो मैं मेरे ऐसे साइडों पर कर रहा हूँ, एक प्रीमियम बकेट है, एक मिडिल है और एक जीरो है। मतलब उसमें थोड़ा मैंडेटरी भी हो जाता है कि जिसको इमरजेंसी है, जो पैड नहीं कर सकता, उनके लिए एक 15 दिन महीने में एक दिन हम रखते हैं, वो पूरा ज़ीरो रहता है। वो मैं मेरी बात बता रहा हूँ जो हम कर रहे हैं कहीं कहीं पर, वो ज़ीरो रहता है। और प्रीमियम लोगों के लिए प्रीमियम चार्जेस है, उनके लिए वो दिन अलग रहेगा, उनकी फैकल्टी फैसिलिटी सब अलग रहेगी, ताकि वो प्रीमियम नीचे के दो को मैच करे और बीच वाला एक जनरल जो अभी आप चला रहे हो ना, ये लगभग मिडिल वाला कह सकते हैं, है ना डॉक्टर? लगभग ये मिडिल वाला है। प्रीमियम पेड करने वाले हैं उनको दिन अलग कर दो, दिन भी सर्विसेज भी, सर्विसेज भी, फैसिलिटी भी, सारी चीज़, सारी चीज़ें चेंज हो जाएगा ना। फैसिलिटीज तो हमारी प्रीमियम से कम नहीं है। नहीं अगर करके देखो वो तो है, लेकिन आप दिन अलग बुला लोगे तो वही फैसिलिटी उनको प्रीमियम बोल के आप दे सकते हो। उनको क्या है कि उनको उनकी क्लास अलग चाहिए, सरल शब्दों में उस वर्ग के लोग भी अलग, उस वर्ग के लोगों के साथ में वो प्रीमियम फील करते हैं, तो उनका दिन अलग किया खत्म का, सीधा 3 गुना चार्जेस। और नहीं, नहीं, उनको फील भी जब ही होगा, आपने अगर उनसे चार्जेस कम लिए तो वो रिपेयर नहीं होंगे, वो ठीक नहीं होंगे, खुद ठीक नहीं होंगे, आएंगे नहीं परिवार, आएंगे नहीं, ये सही बात है, वो ठीक नहीं होंगे, आएंगे नहीं ना, वो आएंगे पैसे का। ये क्या बना रखा है? अच्छा सातों दिशाओं में सातों गाय बांधी जाती है। ओके। बीच में जंगल वगैरह होता है। विष्णु चप्पल निकाल कर एक चक्कर लगाना और टाइम यहाँ पे अमावस्या और पूर्णिमा पे फटाफट आप हमारी आवाज भी आ जाएगी। वो जो नाम लिखे हुए ना वो भी थोड़े थोड़े लेते चलो। हाँ हाँ जी। संस्कार एक प्रकार का ट्रेनिंग होता है। अच्छा। जिसमें उसको अपना लाइफ स्टाइल कैसा रखना है, उसको क्या सोचना है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आने वाली संतान वो कैसी चाहती है, उस रूप वो जो अपना चिंतन और वो खान पान ये सब मेंटेन करती है। अच्छा। तो उसका एक प्रशिक्षण जैसा होता है पुनसोन संस्कार, जिसमें जो ऋषियों की विधा थी उसको यहाँ पर गौ माता के सानिध्य में उसको संस्कार कराया जाता है। ओके। तो ये वो क्रम भी सारी चीज़ें थी गुरुकुलम में पहले, और इसी के माध्यम से सारी चर्याएँ चलती थी, लेकिन कहीं लुप्त हो गई।
गई और आपने जीवंत रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन पार्क चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी संस्कारवान हो, तो उसकी शुरुआत जो है माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है वहीं से चाहिए, सबसे शुरुआत वहीं से चाहिए, तो वो एक प्रयास ये है। दूसरा, जब बच्चा अलग अलग स्तर पे हम लोग करते हैं, जैसे गुरुकुल में तो ये संस्कार की सारी चीज़ें ही सही, लेकिन बच्चों में संस्कार लाने के लिए हम रविवार के दिन उनकी 1.5 से 2 घंटे क्लास होती है, जिसमें खेल की गतिविधियाँ यानि कहानी किस्सों के माध्यम से बच्चों में संस्कार देने का क्रम उनको बनाते हैं। तो खेल की चीज़ें भी, विद्यालय नाम तो होता है लेकिन वहाँ विद्यार्थी केवल शिक्षा की बात आती है, शिक्षा के साथ विद्या और संस्कार जो है बच्चों में आए, इसके लिए बाल संस्कार शाला सप्ताह में एक दिन होती है, इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, कनेक्टिविटी शेयर स्टेज का सही। यहाँ क्या बन रहा है अभी? ये नई गौशाला बना रहे हैं। नई गौशाला, इसमें ऐसा कंसेप्ट है कि खुली रखेंगे गाय। अच्छा, उसको बांधेंगे नहीं? एक्चुअली सही वही है, वही है, ऑप्शन जरूर देंगे बांधने का, लेकिन बांध नहीं चाहिए, लेकिन बांधेंगे नहीं उसको। यहाँ पे जो पूरे परिसर में गाय खुली डिवाइडेशन करेंगे वो लोहे के खम्भों से, और फिर अलग अलग जो विभाग रहेंगे, दूध वाली अलग, बिना दूध वाली अलग, और बच्चे अलग और नंदी अलग। यहाँ तक पूरा जो इलाका रहेगा पूरा खुले रहेगा, उनका मन करे पानी पिए, मन करे चारा, तो सेल्फ हो जाए कि उसको पानी पीना हो तो पानी, धूप में बैठना धूप में बैठे, छाव में बैठे, कहाँ रहना है, कितना खाना है कितना नहीं खाना, वो खुद डिसीजन, वो डिसीजन ले, वही सही है। यस यस, हम जहाँ डिसीजन लेना चालू करते ना वो गड़बड़ी होती है, वो गड़बड़ी, वो तो अगला डिसीजन भी आप ही ले लो। सही है। इसमें थोड़ा सा मार्गदर्शन आपका अंदर के, इसमें कुछ हाँ चलेंगे ना अपन बता करके, लेकिन जिस हिसाब से गुरुकुलम दिखाओ, जिस हिसाब से आप लोग जो मैं देख पा रहा हूँ ना, मुझे सीख के जाना है यहाँ, तो मैं सीख रहा हूँ, मार्गदर्शन दूंगा क्या, सीख रहा हूँ यहाँ से। अभी बच्चे रहते हैं बस? नहीं, अभी 15 तारीख छुट्टियाँ हैं, अभी छुट्टियाँ हैं, लेकिन अटेंड हो रहा है ना। हाँ, क्लासेस यहाँ प्रोडक्ट्स बनते हैं क्या? पाँच वाले रूम में बनते हैं, ऊपर कंप्यूटर लैब है बच्चों का, बहुत तीस कंप्यूटर है। अच्छा, देखना होगा। चलिए, आधुनिक शिक्षा के साथ ये क्लास कहाँ तक? 10 तक, 10 1 से 10 कक्षा पहले से लेकर 10 तक। टीचर्स हैं, टीचर सारे यहीं के लोकल आसपास के, लगभग 20% टीचर यहाँ पे रहते हैं, बाकी 80% टीचर मतलब जो समझो 3 से 4 टीचर स्टाफ यहीं पे रहेंगे, 4 से 5 फैकल्टी, बाकी फिर शिक्षा का जो प्रकल्प है वो अपडाउन वाले पढ़ाते हैं, बाकी गुरुकुल का जो प्रकल्प है सुबह 4 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक। मैकोले और गुरुकुलम को मिक्स किया है। हाँ ओके, मेन तो वही है कि गुरुकुलम को हम कहाँ तक दे पा रहे हैं, मेन चीज़ तो वही है। शिक्षा का जो क्रम है वो सुबह 10:30 से 4:30 तक चलता है, और उसके बाद जो है वो शिक्षा के बाद जो विद्या का क्रम है वो सुबह 4:30 से 11 बजे तक, और फिर ये दोनों में बड़ा फर्क है, शिक्षा और विद्या है ना। शिक्षा में सर हर कोई समझ नहीं पाएगा, शिक्षा में जो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाते हैं इसमें आगे, हाँ, और विद्या जो है वो उसको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। शिक्षा मतलब स्वावलंबी बना दे, और विद्या मतलब वो व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाती है। यस यस, वो उसके आध्यात्मिक विकास से लेके जो उसने चीज़ें सीखी है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करके अपना जीवन बेहतर बना दे, विद्या का नाम विद्या। ये जो भवन है इसमें यहाँ से लोन बेटा, ये कितने बच्चों की फैकल्टी में कितने हो सकते हैं? 320 बच्चे अभी है यहाँ पर, अभी है 500 बच्चों तक का हो सकता है, 500 तक का हमारा कैपेसिटी है। ओके, और ये कुछ क्या बना रहे हैं? ये हमारे गुरु जी माता जी का व्यक्ति में प्रखरता है, यस यस, और हृदय में सजगता, जो खड़ा हृदयता है उनके एक प्रतीक रूप में हम यहाँ पे सुबह शाम की ध्यान साधना वगैरह भी नीचे आस्था का केंद्र है हम लोग का, गुरु जी माता जी का जो अस्थि है वो यहाँ पे स्थापित है। आप थोड़ा यहाँ पर रूटीन देख लीजिए, हाँ से लेके
साढ़े चार बजे कक्षा पहले का बच्चा भी जागरण हो जाएगा, स्नान करेगा ठंडे पानी से, ओके, और फिर वो पहले उषा पान करेगा और फिर स्नान करेगा। स्नान करने के बाद में ध्यान होता है आधे घंटे का, साढ़े पांच बजे से ध्यान करेगा और फिर यज्ञ और अग्निहोत्र होता है। तो सामूहिक रूप से सब लोग तो एक साथ यज्ञ नहीं कर पाएंगे, तो कुछ बच्चे अठारह दल में विभाजित होते, पूरा 320 बच्चे, ओके, अलग अलग बच्चे। तो कुछ बच्चे यज्ञ करने जाएंगे, कुछ लोग को एक दल सफाई के लिए जाएगा, एक दल भोजनालय में जाके भोजन बनाएगा। तो ये जो सामूहिक बनाते भी हैं, हाँ बच्चे पूरे भोजन रोटी मतलब ये है कि बच्चे आटे की लोई बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, साफ सफाई करेंगे। फिर दैनिक जो भी यहाँ पे कोई भी सफाई कर्मचारी रहता है तो वो पूरा अपने स्वावलंबी जीवन है, मतलब साफ सफाई करना। फिर कुछ बच्चों को योग, प्राणायाम, मलखम, जो बच्चे के बच्चे रहते 80% बच्चे, अच्छा, कुछ बच्चे ड्यूटी पे चले जाते, कुछ बच्चों को मलखम, योग, प्राणायाम, गीता पाठ। लगभग लगभग सर यहाँ पे 80-90% बच्चों को जो गीता के श्लोक है वो याद है, अच्छा, हाँ कंठस्थ है, उनको बोलो तो पूरे एक सौर में बोल लेंगे। और जो बोलते ना वेदों में श्रुति होती, श्रुति बिना पढ़े बिना कम जगह होता है, सुबह जो है एकोले के साथ हम गुरुकुलम का टचअप दे रहे हैं बच्चों को। तो मुद्दा इतना ही है कि हम सब तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, इन चीजों की जरूरत बहुत है, लेकिन जरूरत है, अगले चाहते भी हैं। अगर आप घर घर डोर नॉक करके अगर एक क्वेश्चन बनाओगे ना कि आप क्या चाहते हो, आपके बच्चे के अंदर क्या चाहते हो, महिला को पूछोगे, पापा को पूछोगे, दादी को पूछोगे, वो यही बोलेंगे जो आप लोग कर रहे हैं वो अपने बच्चे में यही चाहते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम में चाहते नहीं, वो चाहते हैं ना, इसीलिए तो हम इंग्लिश मीडियम और गुरुकुलम को साथ में ले रहे हैं। मतलब आयाम पर पहुंचना है लेकिन खुद को छोड़ते हुए नहीं पहुंचना है, तो यही तो हमारी कसौटी है, अपने को चलना पड़ेगा, तो चलना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो वही एक कंसेप्ट तैयार करना पड़ेगा भविष्य में, नहीं सारा कॉन्सेप्ट तैयार है, इंग्लिश मीडियम है। प्रसन्ना जी अभी आपके साथ में है ना, हम यहाँ पर है, मतलब सारा कॉन्सेप्ट तैयार है, आप भूल जाओ अभी कॉन्सेप्ट है या नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वैसे भी है ना ग्रामीण, हाँ हाँ, सप्तऋषियों के जो ऋषियों ने, सप्तऋषियों ने क्या किया, ओके, और उसके बाद गायत्री परिवार उसको कैसे उपयोग कर रही है, सप्त ऋषि की सारी जानकारी है यहाँ पर, और उसको गायत्री परिवार किस रूप में काम कर रही है, ओके, उसने पूरा एक एक ऋषि का स्टेशन में आर्य जागरण किया था, हाँ, प्रणाद ऋषि ने स्वावलंबन आंदोलन किया था, जो अपन जिसकी बात कर रहे हैं, अपना देश कृषि प्रधान हो, आर्थिक क्रांति जिन्होंने लाई, हाँ हाँ, ये पूरा हमारा प्राचीन था, हाँ, पर्यावरण आंदोलन जमनद ऋषि ने किया था, पर्यावरण आंदोलन के जनक है ना, ये उन्होंने जो किया था वो ऊपर लिखा है, हाँ, आईटी परिवार उनकी जो विधा को कैसे नीचे, नीचे एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये हरेक ऋषि का लिखा है, ये जो ब्लू कलर में है ये ऋषि ने किया था, और इसको आप कैसे आगे बढ़ा रहे हो, उसके हम वर्तमान परिवेश में क्या आवश्यकता है उस हिसाब से, अभी हमारे मनुष्य जीवन की क्या विडंबना है पता है, हमें दिन बनाना पड़ रहा है, जैसे अभी वर्ल्ड वाइड दिन बनाया है, मतलब 5 जून को पर्यावरण दिवस है, मतलब ऐसा दिवस होगा तब हम कुछ करेंगे, हाँ योगा दिवस पे योग करेंगे, यज्ञ की परंपरा को विकसित करने के लिए जो यज्ञ वाला ऋषि थे, यज्ञ वाला यज्ञ को यज्ञोपचार भी किया था और धार्मिक और आस्था केंद्र के रूप में विकसित किया था, जड़ी बूटियों से यज्ञ करके चिकित्सा, चरक ऋषि तो जनक आयुर्वेद और उससे जनक, हाँ, विश्वामित्र ऋषि ने साधना आंदोलन को किया था कि हम, हाँ, साधना करके साधना कैसे की जाए, बुद्धि को अपने मन को प्रखर कैसे बना सकते हैं, गायत्री मंत्र के जनक, ये पूरा आरण्यक है ये, यहाँ पर हम जब बच्चे आ जाते थे यहाँ पूरा गोबर से लिपते हैं, अच्छा, तो बच्चे यहीं पर साधना करते हैं, हाँ, यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, पीपल के वृक्षों में, ये पीपल और बड़ के नीचे ना, हाँ, तरुकुंज को हमने नाम दिया है, अच्छा, तरुकुंज यहाँ पे छाया भी है, हाँ, और काफी ऊंची छाया है, हाँ, सही है, एकदम सही है, ये लकड़ी उठाकर इसी से यज्ञ करते हैं, ये जो
पौधे हमको अपने आप से जो गिरती है, अपने आप से जो गिरती है, यस यस, ये लकड़ी सबसे अच्छी रहती है, काट कर तोड़ कर मत लाओ, जो अपने आप गिरा है दी उसने, उसने दी जो देता है वही लेना सही है। गुरुजी आपका एक संक्षिप्त में परिचय दीजिए ना, अच्छा लंबा चौड़ा संक्षिप्त में और लंबा चौड़ा दोनों पता चलना चाहिए भारत को कि हम किन के साथ हैं। जी मैं सचिन पाटिल हूँ, गायत्री धाम, गायत्री परिवार का एक रचनात्मक केंद्र है गोलोक धाम, यहाँ पर मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक हमने क्रांतिकारी आंदोलन चालू किया है। प्राकृतिक चिकित्सा जो निरस्त थी, उत्साह नहीं था उसके अंदर, तो हमने उसके अंदर काफी सारे परिवर्तन करके अपडेशन करके यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा के शिविर लगाते हैं हर महीने 1 से 6 तारीख को 20 से 25 तारीख में। ओके, लोगों के मन में एक धारणा है कि हम सिर्फ दवाइयों पर ही डिपेंड है, एलोपैथिक पर डिपेंड होकर स्वस्थ हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रकृति के जितने भी जीव जंतु है बिना दवाइयों के बिना औषधियों के वो प्रकृति के अनुसरण करके स्वस्थ रहते हैं, तो हम मनुष्य को प्रकृति के साथ में जोड़कर कैसे कनेक्ट होकर चलें, होकर किस तरह से हम अपने शरीर के अंदर जो बीमारियां है, गंदगी है, टॉक्सिन से उसको बाहर निकालकर स्वस्थ हो सकते हैं और बीमारियों से लड़ भी सकते हैं और बच भी सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। हर महीने यहाँ पे शिविर चलते हैं, देश भर से शिविरार्थी आते हैं, मात्र 5 दिन के अंदर हम उसका कम से 1.5 से 2 लीटर पसीना निकालते हैं। अच्छा, पूरे मुंह से लेकर मलद्वार की पूरी गंदगी साफ करते हैं, जो योग में क्रिया है शंख प्रक्षालन, वो शंख प्रक्षालन कराते हैं, वमन कराते हैं, आहार चर्या देते हैं, मन के अंदर जो नकारात्मक चिंतन है, जो नेगेटिविटी, वो मन का टॉक्सिन्स होता है, तो उसको भी बाहर निकालना जरूरी है। तन के साथ साथ मन का टॉक्सिन भी चाहिए निकलना। तन के साथ में जितना गंदगी होती है उससे ज्यादा कई गुना गंदगी हमारे मन में होती है, उसका वजन नहीं होता है पर उसका शरीर के वजन भार में जो बहुत ज्यादा होती है उसका भार ज्यादा होता है, वजन के भार ज्यादा। वहाँ भी हम संगीत से नृत्य करके काउंसलिंग करके साइकोलॉजी काउंसलिंग करके वो पूरी मन की गंदगी बाहर निकालते हैं, एक ध्यान कराते हैं, ध्यान में आदमी का फ्रस्ट्रेशन पूरा बाहर निकलता है, रोते हैं व्यक्ति लोग, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और प्रकृति के यहाँ पे कोई अनुशासन नहीं रहता है। अच्छा, यहाँ पर स्वतः अनुशासन बन जाता है, प्रकृति के साथ में सोना, प्रकृति के साथ में उठना, मोबाइल बंद, मोबाइल यहाँ से हम छीना नहीं जाता है, व्यक्ति यहाँ पर खुद ही मोबाइल खुद ही बंद कर देता है, फ्रस्ट्रेशन वाला कोई क्रिएट नहीं यहाँ पे, व्यक्ति को अनुशासित नहीं किया जाता है, वो खुद ही अनुशासन में चलने से उमंग और उत्साह के साथ में अनुशासन का पालन करता है। एक होता है अंकुश लगा के अनुशासन करना, मोबाइल ले लेना कभी साधना सत्र में जाकर, वो व्यक्ति परेशान होता है, पर हम यहाँ पर व्यक्ति को इस तरह से माहौल में बनाते हैं कि वो अपना मोबाइल भी भूल जाता है, खुद ही भूल जाता है और प्रगति के साथ में चलने फिरने लगता है और काफी अच्छे रिजल्ट है कि ये जो कोरोना के बाद में काफी जो महामारी है उसमें तनाव और टेंशन और डिप्रेशन के कारण लोगों की नींद उड़ गई है, तो लोग यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग शिविर करने के लिए आते हैं, उसी में सेवा मैं देता हूँ। मैंने इसी में योग में पीजी कोर्स किया है, अभी पीएचडी कर रहा हूँ इसी में, अरे वाह, इसी में मैं आगे कर रहे काम। तो भाई साहब का जो काम है कि हम किस तरह से प्रकृति से जुड़े, किसान भी प्रकृति से जुड़े, इंसान भी प्रकृति से जुड़े, तो हमको सब कुछ मिल जाएगा उस सही क्षेत्र में, सही। वो कनेक्टिविटी पूरी बनेगी, सर्कल एक पूरा बनेगा, सही है, नहीं बनाएंगे कॉन्सेप्ट की जरूरत है। यस यस, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट इन इंडिया में आज की तारीख में आचार्य जी ऑक्सीजन पार्क कई आयामों पर टच हो चुका है, और जो कॉन्सेप्ट रचा है ना, सेल्फ और हेल्थ हम दो तरीके से जा रहे हैं, सेल्फ हम खुद से कर रहे हैं जैसे प्रसन्ना जी की खेत से कर रहे हैं, हम लैंड खुद की कर रहे हैं, और हेल्प में क्या कर रहे हैं हम, जैसे आप जैसी जो ये विधाएं हैं जो कहीं रुक रही है, कहीं ट्रैक लग रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट होकर उनको जस्ट हमसे थोड़ा अगर पुश दे पाए हम, क्योंकि इस कनेक्टिविटी को हम वर्ल्ड वाइड में टचअप देंगे, जैसे हमारा जीवी साइन होगा ना, तो होगा क्या डॉक्टर साहब उसमें कि हम वर्ल्ड वाइड हैं, फिर हम केवल बुरहानपुर तक सीमित नहीं है, या इस रोड तक सीमित नहीं है, ग्लोबल लेवल हम ग्लोबलाइज है, ग्लोबलाइज, तो ग्लोबलाइज होने से जो इसका चक्का घूमने वाला है वो उस तरीके से घूमेगा, और हम किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे, यहाँ की मैं हर गौशाला का चाहता हूँ कि सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी बन जाए, हम कर्जा देने वाले बन जाए ना कि लेने वाले अभी तक लेने वाले हैं, दान लेने वाले, दान देने वाले बन जाए, कोशिश करेंगे क्या बेस्ट होगा, आप जो दान दे रहे हैं उसका मूल नहीं है, ये
आप जो दे रहे हो ना वो अनमोल है, उसका मोल नहीं है। हाँ, पैसे तो कहीं से भी गिन लो, पर फिर भी ये गिनती में आ जाएंगे। चलायमान ये व्यवस्था रहे, आगे बढ़े, ये व्यवस्था चलायमान रहे, इसके लिए हम हैं यहाँ पर सर के साथ। वास्तु वाटिका इधर दे बेटा। ये क्या है? ये श्रीराम स्मृति स्वास्थ्य गार्डन है। अच्छा, यहाँ पर आने वाले व्यक्ति को तीन चीजें मिलती है। ओके। एक तो स्वस्थ पर्यावरण मिलता है। हाँ। स्वस्थ पर्यावरण में आप देखें कि अलग अलग प्रकार की वाटिकाएं यहाँ पर। यस। कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा मंडल होता है। हाँ। उसकी एक एनर्जी लेवल होता है, वैसे ही वृक्षों का भी अपना एक एनर्जी लेवल होता है। यस। एक ऑरा मंडल होता है। तो यहाँ पर जो वाटिकाएं लगी हैं वो शास्त्र संबद्ध वाटिकाएं हैं। यहाँ पे जो वृक्ष लगे हैं कुछ देव वृक्ष हैं, कुछ पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध जो वृक्ष होते हैं उनको अलग अलग प्रकार की वाटिकाओं में रोपित किया है। यस। तो जब व्यक्ति यहाँ पर आता है, इन वृक्षों के साथ रहता है, तो इनकी एनर्जी जो है व्यक्ति को मिलती है। दूसरा कि अलग अलग प्रकार की वाटिकाओं से वो जुड़ता है। तो जैसे पीपल का वृक्ष है तो व्यक्ति का नक्षत्र का वृक्ष जो है, अगर उसको वो पाले पोषे, सेवा करे, उसका नक्षत्र दोष ठीक हो सकता है, उसका ग्रह दोष ठीक हो सकता है, उसका वास्तु दोष ठीक हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग जब वाटिकाओं के वृक्षों से व्यक्ति मिलता है तो कहीं ना कहीं वो पर्यावरण से जुड़ता है। तो स्वास्थ्य हो गया, पहला हो गया इसमें पर्यावरण हो गया, दूसरा स्वास्थ्य हो गया। स्वास्थ्य में आप देखें कि व्यक्ति जब यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ के पर्यावरण से जुड़ेगा। और यहाँ पे जो एक्यूप्रेशर टाइल्स लगी है, हाँ, परिक्रमा पथ पे एक्यूप्रेशर टाइल्स अलग अलग प्रकार की, ये रेड वाली एक्यूप्रेशर है, इधर येलो वाली भी एक्यूप्रेशर है, ये राउंड है, ये सीधा नाखून है, हाई एक्यूप्रेशर टाइल्स है, ये लो एक्यूप्रेशर टाइल्स। जब व्यक्ति इस पे चलेगा, इसकी परिक्रमा करेगा, तो पैरों की पसली के माध्यम से उसका एक्यूप्रेशर होगा। जैसे कि बॉडी में जो पार्ट होते हैं, जो एक चिकित्सा पद्धति होती है, जो सुजोग चिकित्सा पद्धति हम जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से व्यक्ति को स्वास्थ्य मिलता है। यस यस। और तीसरा कि जब व्यक्ति यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के उसको जूस और आहार प्रदान करते हैं, जिसमें करेले का जूस, अलग अलग प्रकार की बीमारियों में अलग अलग प्रकार के जूस काम आते हैं। तो इस प्रकार के जूस यहाँ पे हम उसको कम लागत पर उपलब्ध कराते हैं। तो व्यक्ति यहाँ के पर्यावरण से जुड़ता है, यहाँ के एक्यूप्रेशर पास से चल के अपने स्वास्थ्य को लेता है और जूस का लाभ लेता है। तीसरा इसका जो अभियान है इसमें स्वावलंबन जुड़ा है, शहरों के लिए बहुत अच्छा प्रकल्प है। जूस सेंटर जब चलता है तो दो चार लोगों को यहाँ पे स्वावलंबन मिल जाता है। पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्वावलंबन, इन तीन त्रिवेणियों को समता ही है स्वास्थ्य का। एकदम सही है। आइए जी, दिखाइए। ध्यान केंद्र है, आके मेडिटेशन भी व्यक्ति करता है। ये सेंटर में ध्यान केंद्र है। अग्निहोत्र भी होता है, अभी इसमें पानी, अग्निहोत्र भी हो रहा है। बढ़िया फुहारा वगैरह चलता है। बहुत सही, बहुत सही लगता है व्यक्ति का। और यहाँ पर पानी रहता है जी, इसमें पानी रहता है। बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रो चीजों का आपने टच किया है, और जो बहुत जरूरी है, बांबू भी यहाँ पर है, बांस बहुत जरूरी है ध्यान शिविर में। ये 27 नक्षत्र के 27 पौधे पूरे चारों तरफ लगे हुए हैं। अच्छा, ओके। इनका मुझे एक 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 बतला पाएंगे आप पूरा डिटेल? हाँ, जितना बतला सकते हो। एक, दो, तीन, फाल्गुनी वृक्ष, हर तरह के हैं। गुड मॉर्निंग। इनके ये बोर्डिंग और एक तरीके पर व्यवस्थित कर दीजिए। रेवती वृक्ष, काफी सुंदर बना रखा है। बांबू तो हमारा फेवरेट है भाई। वृक्ष, ये काफी सारी चीजें मालूम ही नहीं है, ज्ञात नहीं है पब्लिक को। इसका पूरा रिसर्च बेस लिटरेचर भी है। अच्छा अच्छा, तो इसका पूरा रिसर्च बेस लिटरेचर है जी। हाँ, वो शेयर कीजिए मुझसे। ये वाटिकाएं, नक्षत्र वाटिका, ध्यान से वीर ना। हाँ, ओके। आइए सर, आइए। ये यहाँ पे पानी भरा रहता है बलराम भाई? हाँ, वो मैंने देखा ना, मैंने समझा उसको, पानी रहता है यहाँ पर। और हर नक्षत्र के हिसाब से जो पौधा होना चाहिए वो सब लगा। राशि के हिसाब से भी राशि वाटिका है। आते तो ये एक्यूप्रेशर पाथ बना हुआ है।
हाँ हाँ ये बताया ना सर ने, हाँ नवग्रह वाटिका पूरे देश भर में बने हुए हैं, हाँ लगभग लगभग 2 से 3 हजार गार्डन बने हुए हैं। हाँ हाँ, जैसे उस दिन आए थे बिल जी तो वो भी बोले कि मैं गया बहुत जगह हूँ लेकिन मैंने ऐसी वाटिका देखी नहीं, नहीं, नहीं सही है, वाटिका की ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, हर जगह मतलब जहाँ जहाँ पर बने हैं, 1015 भोपाल में है, एमपी नगर में बहुत बड़ा अच्छा पार्क है, वहाँ पे कम से कम रोज प्रतिदिन ऑक्सीजन पार्क समझना है ना, तो ऑक्सीजन पार्क पे आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ऑक्सीजन पार्क को। प्रसन्ना जी आप जो अगुवाई कर रहे हो ना, इसके लिए पूरा बुरहानपुर आपको धन्यवाद देगा एक समय में, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी काम है वो व्यवस्थित चल रहा है, उसमें कहीं आपको ऐसे जतर कतर भटकने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं कि केवल पैसे कमाने की बात हो, हाँ, तो ऑलरेडी सेटल हो, कमा रहे हो, लेकिन आप पर्यावरण, प्राणी, गौशाला और सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी बने आपके यहाँ पर, इस पर आप जो ध्यान दे रहे हो उसके लिए मैं पहले ही धन्यवाद दे देता हूँ आपको, थैंक्स बोलता हूँ मैं। जो इस विधा को लेके चल रहे हैं, हाँ, उनको तो अपने को देखना ही पड़ेगा। यस यस यस, अगर हम नहीं करेंगे, हाँ, बुद्धि जी भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ हाँ हाँ, और ये हमारा दायित्व है, हाँ, इसके कि हम सोचे कि हम कुछ कर रहे हैं, ये उनके लिए हमारा एक धन्यवाद का भाव। सही है सही है। ये काउंसलिंग रूम है यहाँ पर, जो बाहर से लोग आते हैं, हाँ हाँ, काउंसलिंग होती है उनकी, साइकोलॉजी, पर्सनल काउंसलिंग, सोशल काउंसलिंग, ओके, और फिर हेल्थ काउंसलिंग, तीनों तरह की काउंसलिंग होती है यहाँ पर। और ये क्या मुड्डे हैं बैठने के लिए? मुड्डे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ वो अपने आप विष्णु, हेलो बेटा पकड़ो, चालू है, जमाना नहीं, अपने आप में मतलब मजबूत भी है, प्रसन्न भी है, प्रकृति के साथ बैठना है। ये वृक्ष जो है वो हवा में टूट के गिर गया था, अच्छा ये वाला, तो वो उसका ऐसा यूज हो गया जलाने के लिए। सही, यही चीजें चाहिए, मैं बता रहा हूँ, जो कोरोना की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव आई ना, उसके बाद सर हिले हैं, सबके सर हिले, बिल्कुल सबके सर हिले, कि हम वो रुकी, पब्लिक पूरी रुकी है, हम कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, आज भी चिंतन कर रहे हैं प्रकृति के साथ कब कनेक्ट होंगे, ये तो हो चुका है। और मैं आपको पहले मैं बताना चाहूंगा, पहले गौशाला थी, अच्छा, 7 साल तक गौ माता यहाँ पे रही है, अच्छा, और यहाँ पे गौशा मतलब गाय कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, तालाब था, वो गौशाला वाले स्थान पर अगर ये होगा तो ऑटोमेटिक ही होना है, तो शिवरात्रि आते हैं उनका ही अनुभूति होती है यहाँ पे, कि हमको यहाँ पे आते से ही एक विशेष फीलिंग होती है, एक लग्जरियस और साफ सफाई और चिकित्सा तो अलग चिपाट हो जाती है, आते से उनको एक अलग से जो फीलिंग होती है, फर्स्ट जो एनर्जी का फर्स्ट एनर्जी का मतलब बहुत अच्छा। ये बाहर का ओपन थेरेपी होती है जो यहाँ पर अधिकतर हमने क्या करा, दूसरे प्राकृतिक चिकित्सालयों में चिकित्सालय में अंतर ये है कि वो मशीनीकृत है, कमरे में बने हुए नहीं, यहीं पे आपको मालिश भी यहीं पे, धूप में और मिट्टी भी यहीं पे लगाना है, वही सही है ना, प्रकृति के साथ लगे, नहाना भी बाहर ही है, मतलब सनलाइट में नहाना है, हाँ सनलाइट में नहाना है, यही तो सही चीजें हैं। जो बाथरूम थेरेपी जो होती है ना नेचुरोपैथी में, कि कमरे में व्यक्ति को टाइल्स के साथ में, नहीं यहाँ पर 10-12-15-20-25 लोग साथ में बैठ कर कटी स्नान करते हैं, और हमने कटी स्नान के लिए भी बहुत लग्जरी कप नहीं बनाए, टब बना दिया, आप घर पे जाके भी करो, सही है, लग्जरी ऐसा आइटम बना दे कि जो आप घर पे जाकर ना कर सको, अपने जीवन के साथ में जोड़ नहीं सको, ऐसी चिकित्सा आपको लंबे समय तक ठीक नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात है, वो एरिया है उधर का। प्रसन्ना जी बहुत सही अगुवाई कर रहे हो, और आपकी जरूरत थी यहाँ पर, मिलके आगे बढ़ते हैं, जरूरत तो इन्हीं की यहाँ पे ज्यादा है, इन्हीं की है, लेकिन आप जो एक छोटा सा टचअप दे रहे हो ना ऑक्सीजन पार्क के थ्रू, वो एकदम सही है, बहुत अच्छा लगा आकर के, और खास तौर पर सर से जो अभी देखा और सीखा। एक और मैं समझना चाहूंगा, अगर पूरे भारतवासी यहाँ टच होना चाहें तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर है?
जी कॉन्टेक्ट नंबर है आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9617080114। ओके, और ये हमारा फेसबुक पर भी पेज बना हुआ है, सर्वायुष नेचुरोपैथी एंड योगा रिसर्च सेंटर का पेज बना है, उससे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू। गोलोक धाम का एक पेज बना हुआ है, तो गोलोक धाम के पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। और काफी सारे लोग जुड़ते भी है और सब आते भी है। थैंक यू।